दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीसेंट ऐप रीस्टार्ट प्रॉब्लम हम कैसे फिक्स करें। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और आप बिल्कुल आसान तरीके से रीसेंट जो ऐप होते हैं उनकी रीस्टार्ट प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि रीसेंट में जो ऐप होते हैं, जैसे अभी मैं किसी भी ऐप को ओपन करता हूँ, जैसे इसी ऐप को ओपन कर लिया, ठीक है, और कोई दो एक ऐप और ओपन कर लेता हूँ, जैसे यूट्यूब भी यहाँ पे क्रोम ओपन कर लिया, ठीक है, यहाँ पे सेटिंग ओपन कर ली, यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे जो ऐप रीसेंट में जो ऐप होते हैं ये इन्हें रीस्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैं क्रोम वीडियो अपलोड करता हूं तो इसी पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो रीस्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं कोई गेम खेलता हूं और जैसे ही हम उसे थोड़ा देर के लिए इस तरीके से लॉक लगा के चले जाएंगे और उसमें ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप रीस्टार्ट की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं अपने किसी भी स्मार्टफोन में, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। रीस्टार्ट ऐप की प्रॉब्लम को हम फिक्स करेंगे, ठीक है, तो कोई भी ऐप हो एक्स वाई जेड उसे हम फिक्स करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आपको एक लाइक दबा देना होगा। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं। सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर। यहाँ पे आपको ढूंढना है, सबसे पहले नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको ढूंढना है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं पांच तरीके बताऊंगा, पांच मेथड बताऊंगा, पांच में से आपका एक ज़रूर वर्क करेगा। पांचवें नंबर का जो मेथड है वो 100% वर्क करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले आप एडिशनल सेटिंग के अंदर आ जाएंगे, आपके स्मार्टफोन में एडिशनल सेटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है आपको डेवलपर ऑप्शन, जो सभी बताते हैं, मैं उसमें एक सेटिंग और ऐड कर लिया हूँ, वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे रीसेंट यानी कि सॉरी, यहाँ पे जो भी ऐप है डेवलपर ऐप डेवलपर ऑप्शन वो नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बाहर निकलना है बिल्कुल, जैसे कि सेटिंग में जाना है फिर से। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है अबाउट, तो चलिए अबाउट को ढूंढ लिया इस तरीके से। अबाउट फ़ोन को ढूंढना है। अगर आप में अबाउट फ़ोन यहाँ नहीं तो ऊपर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे MI का फ़ोन यूज़ करते हैं तो अबाउट पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा वर्ज़न, ठीक है, वर्ज़न पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ होगा बिल्ड नंबर। अगर आप MI का फ़ोन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लिखा होगा MIUI वर्ज़न, उस पर क्लिक करना है 6 से 7 बार। जैसे हम बिल्ड नंबर पे 6 से 7 बार टैप करेंगे, ये देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अगर आपका MI का फ़ोन है तो आपको MIUI वर्ज़न आपको मिलेगा, यहीं पे ढूंढ लेना है, उसी पे आपको 6 से 7 बार टैप करना है, ऑप्शन ऑन हो जाएगा डेवलपर। उसके बाद एडिशनल सेटिंग में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप देखने के लिए मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन, इसी पे आपको क्लिक करना है। ये देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है हमारा डेवलपर ऑप्शन। अब यहाँ पे जो सेटिंग बताऊंगा वो आपको कर लेनी होगी। तो चलिए हम नीचे की तरफ चलते जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ चलना है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, ये आपका ऑन है तो उसे आप बंद कर दीजिए। उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आएंगे इस तरीके से जैसे कि मैं आ रहा हूँ, इस तरीके से आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑलवेज कीप मोबाइल डाटा, ठीक है, एक्टिविटी आपका ऑन होगा तो इसे आप बंद कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ चलते आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो ये देख सकते हैं विंडो एनिमेशन, ठीक है। यहाँ तीन तरीके का आपको एनिमेशन मिलेंगे, ठीक है, एनिमेटर मिलेगा, एनिमेशन, जूम, स्केल, तो इसे आप एक पे कर दीजिए तीनों को, ठीक है, तीनों को आप एक पे ही कर देना, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो स्मॉलेस्ट वेथ है, ठीक है, यानी कि आपकी जो DPI वैल्यू है फ़ोन की, वो जैसे आपका 3:32 है तो आपको 3:60 रखनी होगी, ठीक है। अगर आपका 4:64 है तो आप 3:80 कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका 4:128 है तो आप उसे थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 3:90 कर देंगे। अगर आप जानना चाह रहे हैं DPI वैल्यू कितनी रखनी होगी, DPI वैल्यू, ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए, मेरा फ़ोन ये है इसकी कितनी रखनी होगी, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। उसका दोस्तों आप नीचे की तरफ चलते आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डोंट कीप एक्टिविटीज, अगर आपका ये ऑन है तो इसे आप बंद कर दीजिए। उसके बाद बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट आप स्टैंडर्ड लिमिट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आप बैकग्राउंड चेक आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं बंद होने चाहिए, ठीक है, बंद होने चाहिए। उसके बाद आप ऊपर की तरफ चलेंगे, बिल्कुल ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रनिंग सर्विस का, अगर आपके फ़ोन में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग सर्विस से आप क्लिक करेंगे, जैसे इस तरीके से ये देखो आ जाएगी रनिंग सर्विस। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी सेटिंग है सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे या स्टॉप कर देंगे सेटिंग को, सीधा इस तरीके से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे हम फिर से वॉल की सेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पे हम चलेंगे ऐप में, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप या ऐप मैनेजमेंट, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे होगा परमिशन मैनेजर, ऑटो लॉन्च ऐप्स, ठीक है, डिस्प्ले ऐप, इस तरीके से। तो परमिशन मैनेजर पे आप जाएंगे तो यहाँ पे कोई खास नहीं होता है, आप सिंपल से कहाँ पे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट ऐप है, ठीक है, और ऑटो लॉन्च ऐप्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो लॉन्च ऐप पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे फालतू के ऐप अगर ऑन हो तो इस तरीके से इन्हें आपको बंद कर देना है, ठीक है। ब्लॉकिंग रिकॉर्ड पे आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे इन्हें आपको बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले, ठीक है,
या इस तरीके से होगा डिस्प्ले की, तो यहाँ डिस्प्ले की परमिशन फालतू ऐपों को नहीं देनी है, ठीक है, उन्हें आपको बंद कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ऐप आप मिलेंगे तो डिफ़ॉल्ट ऐप पर कुछ करना नहीं होता है ज़्यादा, आप यहाँ से बाहर निकल आइए। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट चैटिंग आपको क्या करनी है वो बताता हूँ। कन्विंस टूल के अंदर जाएंगे, कन्विंस टूल के जब अंदर जाएंगे आप तो यहाँ पे लिखा पावर वाला बटन, ठीक है, इस तरीके से गूगल असिस्टेंट का, उसे आप बंद कर देंगे, बस इतना कुछ करना है। उसके बाद यहाँ गेस्चर एंड मोशन पे क्लिक करना है कन्विंस टूल के अंदर, अगर आपके फ़ोन में ये है तो फीचर तो करना है, ठीक है। स्क्रीन ऑफ गेस्चर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑन होगा, तो इसे आप बंद कर दीजिए। इसे आप जब बंद कर देंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आप बैक चले आइए। बैक आने के बाद एक काम और आपको करना है, आपको सिंपल से जाना है अपने फाइल मैनेजर में, फाइल मैनेजर में जाएंगे इस तरीके से। अगर आपका फाइल मैनेजर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप फ़ोन स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिलेगा ऐप्स, ऐप्स पे आपको क्लिक करना है। अब जितने भी आपके ऐप्स होंगे यहाँ शो हो जाएंगे, यहाँ पे ऐप शो हो जाएंगे, आपको एक बार ऊपर कर देना है, एक बार इस तरीके से नीचे कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग आपको करनी होगी, जैसे कि मोबाइल की यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस है, इन सभी ऐपों का क्लियर कैच करना है, ठीक है। क्या करना है, क्लियर कैच, जिससे आपकी जो रैम है वो बढ़ेगी और इंक्रीज होगी, उससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आपका ऐप जो रिसेंट पे चलेगा वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से क्लियर डाटा नहीं करना है, क्लियर कैच करिए नीचे वाला, ठीक है, सभी ऐपों का इस तरीके से करेंगे, ठीक है। उस तरीके सभी करने के बाद बस आपके फ़ोन की जो रीस्टार्ट की प्रॉब्लम है ऐप की, वो 100% सही हो जाएगी। आप यहाँ पे एक बार अपने फ़ोन को दिन मतलब 24 घंटे में एक बार पावर वाला बटन दबाएंगे, 24 घंटे में एक बार, ठीक है, किसी भी टाइम रीस्टार्ट आप फ़ोन कर देंगे, ठीक है। रीस्टार्ट से क्या होता है, बैकग्राउंड में जितने फालतू के चलते रहते हैं एप्लीकेशन या कुछ भी डाटा, तो वो बंद हो जाता है, जिससे आपके जो रिसेंट में ऐप होते हैं उन्हें दिक्कत नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, जैसे मैं फिर से क्लिक करता हूँ यहाँ रिसेंट में, देखो जैसा वहाँ पे चला जाता है अंदर, वैसा यहाँ हो जाता है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जैसे कोई भी एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं आप, वहाँ पे जैसे ही आप यहाँ टू डॉट्स मिलेंगे उस पर क्लिक करके इसे आप लॉक कर दीजिए, ठीक है। लॉक कर देंगे तो ये बार बार का झंझट खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, हटेगा नहीं आपको। जैसे जल्दबाजी में आपने ऐसे कर दिया तो आपका यहाँ पे ये रिसेंट में चलता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको ऐप रखने होंगे और फालतू के एप्लीकेशन अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल भी कर देने होंगे। यहाँ पे अनइंस्टॉल का बटन मिलता है, अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, 100% हेल्प होगी फिलहाल। मैं लेता हूँ इस वीडियो में विदा, जय हिंद।